हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 13th जून 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में हमें जो है क्या देखने मिला, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.24% का एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 13.40 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो हमें देखने मिल रहा है। कैंडल भी यहाँ पे मीडियम साइज की बनी है और यहाँ पे ऊपर के साइड में बहुत ही छोटी सी विक भी हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, 42-43 के आसपास हमारा RSI जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के स्टॉक जो है यहाँ पे मेरा ओपिनियन जरूर एक नेगेटिव साइड का यहाँ पे बन रहा है। मतलब स्टॉक में हमें डाउन साइड मूवमेंट जो देखने मिलने वाली, सबसे पहले 1293 तक एक छोटी सी जहाँ पे डाउन साइड देखने मिलेगा। अगर उसको क्रॉस करते स्टॉक गया तो फिर यहाँ पे जो 1264 तक ईजिली देखने मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे 1220 तक हमें देखने जरूर स्टॉक में जो है डाउन साइड देखने मिल सकता है। थोड़ा सा स्टॉक में यहाँ पे जो आप कॉशियसली काम करें, स्टॉक में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जब भी मिले मैं कहूँगा उससे ही आप ग्रैब करें। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग में जो है फिलहाल यहाँ पे जब तक जो है स्टॉक हमारा सस्टेन जो है 1440 के ऊपर जो है दो दिन तक ना करे हमें जो है यहाँ पे बिल्कुल भी लॉन्ग के लिए नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग के लिए तभी ही जाए जब हम 1440 के ऊपर जो स्टॉक हमें दो दिन तक जो है सस्टेन करते हुए देखने मिले। बाकी जिस तरह से हमने कहा आपको जो है यहाँ पे डाउन साइड के लिए अच्छा जो है मूवमेंट देखने मिलेगा तो शॉर्टिंग के पॉइंट जरूर इंट्रा डिवाइस या फिर पोजिशनलाइज जो है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्राइडे के दिन स्टॉक ने यहाँ पे 20 EMA का जो रिजेक्शन भी यहाँ पे जो फेस किया है जो यहाँ पे एक जो है स्टॉक को जो वीक बताता, तो यहाँ पे वीक स्टॉक में हमें बिल्कुल जो है यहाँ पे शॉर्टिंग की जो खाली अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, ऑलरेडी हमने अच्छे खासे जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे मुझे एक जो है नया डेटा देखने मिला उसको मैं यहाँ पे जरूर जो मार्क करके रख देता हूँ, तो जरूर यहाँ पे आप उसको भी अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स करके रख ले। बाकी यहाँ पे ऐसा जो फिलहाल यहाँ पे जो है डेटा इस रेंज में थोड़ा सा हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे, इसको भी मैं मार्क करके रख देता हूँ। ऊपर के साइड में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि यहाँ पे कभी भी हम जो है कोई भी जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है मिस करके हुए जो है यहाँ पे अपना जो है लॉस ना कर बैठे। तो यहाँ पे ये भी हम मार्किंग जो कर लेते हैं। अब यहाँ पे सीधा बात कहते हैं इसके क्लोजिंग की, तो यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा मैं मिडल में लेकर आता हूँ इस स्टॉक को। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग 13.13 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 13.08 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 13.17 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है,
किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस का जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख लें। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1298 का, उसके बाद क्या था 1286 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1330 का, उसके बाद क्या था 1335 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का यहाँ पे बन रहा है। इवन तो यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे चांसेस थोड़े से यहाँ पे मुझे ज्यादा लग रहे हैं मंडे की तरह हमें ओपनिंग जो है यहाँ पे मतलब क्लोजिंग जो है हमें एक पॉजिटिव में देखने मिले। लेकिन जरूर स्टॉक में प्री ओपन मार्केट में किस तरह से परफॉर्म करेगा वो मैं यहाँ पे जरूर देखूंगा, क्योंकि 1308-1317 के बीच में है, बहुत ही एग्जैक्टली मिडिल में जो हमारा स्टॉक क्लोज हुआ है, तो ओपनिंग यहाँ पे देखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसी के बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक में फिर जो है थोड़ा सा जो है मूवमेंट देखने मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मुझे यहाँ पे चांसेस हाई लग रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिले, 1370 से लेकर 1330 के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिल सकता है। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, आपका क्या ओपिनियन बनता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।